अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी गंडक का भूत। कहते हैं पुराने ज़माने में गंडक का किला हिंदुस्तान के सब किलों से मजबूत समझा जाता था और इसीलिए गंडक का राजा सबसे बड़ा समझा जाता था। गंडक राजा के राज में राया बड़ी सुखी थी और अमन चैन से रहती थी, लेकिन गंडक का राजा अक्सर बहुत उदास रहता था क्योंकि चंद बरस से उसके खजाने पर एक भूत ने कब्जा जमा रखा था। ये भूत वैसे तो किसी से कुछ नहीं कहता था, अलबत्ता जो शख्स खजाने के करीब जाता वो उसका सर काट डालता था। गंडक किले का खजाना किले की सबसे ऊंची चौबर्जी के अंदर लोहे के एक बड़े कमरे में बंद था। इस कमरे का दरवाज़ा भी लोहे का था और इस पर लोहे का एक मजबूत दोमन वजनी ताला पड़ा हुआ था। खजाने के बाहर एक और कमरा था जिसके दरवाजे पर आहनी सलाखें लगी हुई थी। इस कमरे के अंदर चौकीदार गश्त लगाकर पहरा देते थे। कमरे के बाहर चौबर्जी की सीढ़ियाँ थी और ये सीढ़ियाँ इस कदर तंग थी कि एक वक्त में एक आदमी बड़ी मुश्किल से इन पर चढ़ सकता था। चौबर्जी के इस जीने पर दिन के वक्त भी रात की सी तारीखी छाई रहती थी। जीने की दीवारों के अंदर से लोहे के बड़े बड़े नुकीले भाले निकले हुए थे और छत जीने से इस कदर कम फासले पर थी कि संतरियों को सर झुकाकर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था। ज़रा कदम इधर से उधर हुआ और दीवार से निकला हुआ तेज भाला पीठ या सीने में घुस गया। चौबर्जी का जीना नीचे जाकर सरकारी तोशा खाने में खेलता था। यहाँ पर भी लोहे का एक बड़ा फाटक था और संतरी हर वक्त पहरा देते थे, मगर चंद बरस से ये होने लगा था कि शाम के वक्त जब तोशा खाने के फाटक से संतरी चौबर्जी की सीढ़ियाँ चढ़कर खजाने पर पहरा देने जाते, वो सुबह के संतरियों को मुर्दा देखते संतरियों का सरकलम होता। फिर दूसरे दिन सुबह जो संतरी बदली करने जाते वो शाम वाले संतरियों को मुर्दा देखते कोई जिंदा न बचता। लोगों ने डर के मारे किले के इस हिस्से की तरफ जाना ही छोड़ दिया था। अगर सरकारी खजाने का मामला ना होता तो राजा खुद संतरियों को इधर पहरा देने से रोक देता, मगर मुसीबत ये थी कि किले का शाही खजाना जिसमें राजा के खानदानों की बेशुमार दौलत, रुपये, अश्रियाँ, सोना, चांदी, हीरे, मोती, पश्त हापश से जमा होते आए थे, इसी चौबर्जी के आईनी कमरे में मौजूद था। इसलिए इस खजाने पर पहरा देना भी ज़रूरी था। इस पहरे में हर रोज़ 8 आदमी कत्ल होते थे, 4 सुबह और 4 शाम, मगर पहरा हर रोज़ दिया जाता था। राजा बहुत दुखी था क्योंकि अब वो सरकारी खजाने से एक पाई नहीं निकाल सकता था, फिर बाहर की आमदनी पर अपना गुजारा करता था और फिर हर रोज़ 8 इंसानी जानों का अलग नुकसान होता था जिससे राया में बेचैनी फैलने का अंदेशा था। रात के वक्त चौबर्जी के अंदर से लोगों ने खौफनाक चीखें सुनी थी और एक बहुत बड़ा कहका, जैसे वो किसी भूत का नहीं किसी बड़े जीव का कहका हो। कहीं दूर से उन्हें चौबर्जी की आहनी सलाखों वाले दरवाजे के बाहर मध्यम चांदनी में एक सर का भूत भी नज़र आया था। इस भूत का सर नहीं था और इसने अपने जिस्म पर लोहे का जर्रा बख्तर पहन रखा था और हमेशा इस भूत के हाथ में एक तलवार होती थी जिससे वो पहरेदारों के सर कलम कर देता था और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ चौबर्जी के जीने में गायब हो जाता था। सुबह को इस सीने पर घंटों तलाश करने से भी किसी आदमी का सराग ना मिलता था, हमेशा जीना खाली ही मिलता था। खजाने का ताला भी लगा हुआ मिलता था और तोशा खाने का फाटक भी बंद मिलता था, ना बाहर से कोई आदमी बिना शनाख्त अंदर जा सकते थे। फिर भी पहरेदार हर रोज़ कत्ल हो जाते थे। खंडक के राजा ने इस बेसर के भूत को भगाने के लिए बड़े बड़े ज्योतिषी, आमिल, झाड़ पूंछ करने वाले तांत्रिक और जादूगर बुलाए, मगर किसी की एक ना चली। वो सब लोग दूसरे दिन चौबर्जी के जीने या खजाने के कमरे के बाहर मुर्दा पाए गए। कई महीनों की नाकाम कोशिश के बाद राजा ने सारे इलाके में मनादी करवा दी कि जो कोई शख्स इस भूत को किले से भगा दे उसे राजा अपनी सल्तनत आदि इनाम में देगा और अपनी बेटी की शादी भी उससे कर।
इस मनादी के कई महीने बाद तक इलाके से और इलाके के बाहर से भी तरह तरह के लोग आते रहे और भूत को भगाने की कोशिश में अपनी जान गंवाते रहे, मगर खजाने का भूत किसी तरह अपनी जगह से ना टिका। शाही खजाने के गम में गंडक का राजा दिन ब दिन सूख सूख कर दुबला होता गया, और जब एक दिन शाही पहरेदारों ने भी पहरा देने से इनकार कर दिया तो राजा ने खुदकुशी करने की ठानी। एक रोज़ वो तो घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकला और जंगल की जानिब चल पड़ा। शाम होते होते वो गहरी नदी के किनारे पहुंच गया जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे टेले थे। यहाँ पर राजा ने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार और पगड़ी घोड़े की पीठ पर रख दी और खुद नदी में छलांग लगा दी ताकि अपनी जिंदगी का खात्मा कर दे। अतफाक से इस वक्त एक ऊंचे टीले पर एक चरावा भीड़ बकरियां चरा रहा था। उसका नाम मुनव्वर था और वो चन्नू भर्ती का बेटा था। इसकी उम्र 8 साल की थी और वो अपने गांव का सबसे शरीर और नडर लड़का था। वो जंगल में केलियां भेड़ियां बकरा चराने ले जाया करता था। उसने जब टीले पर से एक आदमी को नदी में छलांग लगाते देखा तो उसने फौरन टीले पर से वही एक बड़ी रस्सी घुमा कर नीचे फेंकी। रस्सी एक लम्हे के लिए पानी के अंदर डूबी और दूसरे ही लम्हे में राजा को अपने घेरे में बांध कर बाहर किनारे पर जिंदा खींच लिया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।